हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय कुफेटेक चैनल। तो जीमेल आईडी का दोस्तों आपको मोबाइल नंबर कनेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अगर कनेक्ट है तो किस तरह से चेक करते हैं, आपका नंबर चेंज हो गया है और आप लोग चाहते हो कि मैं यहां पर चेंज करूं मेरे आईडी में मेरा मोबाइल नंबर, तो किस तरह से कर सकते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों देखिए, ये ईमेल आईडी बहुत ही जरूरी होता है, आपको भी पता है, जब भी आप लोग मोबाइल चेंज कर लेते आपके कॉन्टैक्ट फोटोज विटोज सारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो दोस्तों पासवर्ड और यूजर नेम आपको नहीं पता होता है तब ये मोबाइल नंबर काम में आता है, मतलब मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगा और ओटीपी इंटर करने के बाद डायरेक्ट न्यू पासवर्ड इंटर करने बोलेंगे, न्यू पासवर्ड डाल के आपका मोबाइल नंबर पर ही ये जीमेल आईडी आपका ओपन हो जाएगा। तो बहुत ही जरूरी होता है। चलिए दोस्तों क्या करना है आपको पहले चेक करने के लिए, और मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोग यहाँ पर ऐड किस तरह से दूसरा नंबर भी यहाँ पर आपका कर सकते हो। देखिए सिंपल, आपको लोगों के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही लोगों पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए गूगल अकाउंट का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो सिंपल आप लोग क्या करेंगे, गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरह से कुछ यहाँ पर पेज आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्रॉल करना है साइड में इस तरह से, और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है सिक्योरिटी का, तो आपको क्या करना है, सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में चले जाना है। चलिए यहाँ पर हम लोग चले जाते हैं, और देखिए दोस्तों यहाँ से हमें यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ, और आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर रिकवरी फ़ोन। तो देखिए ये रिकवरी फ़ोन जो हमने मोबाइल नंबर यहाँ पर आप लोग दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों इसे अभी क्या करना है, ये देखिए ये मेरा तो अटैच है क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है जीमेल आईडी में। तो दोस्तों अभी क्या करना है, तो दोस्तों ये ब्लर करूँगा मैं दोनों, मेरी नीचे वाली ईमेल आईडी रिकवरी मेल की और मेरा ऐड जो मैंने मोबाइल नंबर किया है वो वाला। तो दोस्तों यहाँ से अभी देखिए ये मेरा मोबाइल नंबर है, और अभी आप लोग चाहते हैं कि मोबाइल नंबर यहाँ पर चेंज हो जाए आपका, तो क्या करना है, देखिए एरो के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे साइड में, और यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए फॉरगेट पासवर्ड, जो आप लोग यहाँ पर अभी जो आपको यहाँ पर पासवर्ड पहले इंटर करना है आपका जीमेल आईडी का जो भी है, अगर नहीं पता है तो यहाँ से आप लोग फॉरगेट पासवर्ड करेंगे और सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली ये जो आपका मोबाइल नंबर है वो चेंज करने के लिए वहाँ पर पूछ लेगा। तो अभी मुझे तो यहाँ पर चेंज नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ से बैक चले जाता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये काफ़ी नॉलेज वाली वीडियो थी, तो दोस्तों इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।